हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर फिजिक्स में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसको चार नाम से पुकारा जाता है। तो इससे पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ पढ़ा है और इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई। तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे इसके अंदर भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। यहां से आप समझ लो कि पूरी कहानी रामायण शुरू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। कूलम्स लॉ तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे जो मोस्ट जो टॉपिक है, लगभग आप समझ लो कि 60% से ऊपर जो टॉपिक आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो हम इसी की आज जन्म कुंडली निकालने जा रहे हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, और कुछ एक आध न्यूमेरिकल हम बनाएंगे इसके ऊपर। तो आज फिलहाल हम बेसिक सीखेंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली। तो देखिए इसके चार नाम है बच्चों, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, कई बार इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ये ओरिजिनल नेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल नेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं कई बार, या हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। तो ये चार अलग अलग नाम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये सारी की सारी। अब होता क्या है, देखो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने पढ़ा है, वैसे 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड आ चुका था, राइट, कि भाई एक फील्ड होता है हर एक प्लैनेट का अपने चारों तरफ, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लैनेट पे फोर्स लगाता है। तो बिल्कुल उसी का एनालॉगस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी क्या प्रॉपर्टी है और है क्या ये फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए इसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसको हम डिनोट करते हैं E से, आप वेक्टर लगा सकते हो, और मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हो तो E वेक्टर मत लगाना, ओनली E लिख देना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रीजन बोल लो, स्पेस बोल लो या फील्ड बोल लो, ठीक है, अराउंड सोर्स चार्ज, मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूं, इसका भी मतलब समझाऊंगा, अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच सोर्स चार्ज एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज, ठीक है, ये इसकी होगी बेसिक डेफिनेशन, प्लेस्ड इन दैट रीजन, और इतना ऐड कर लेना, ठीक है क्या ये, देखो ये हमारे पास कोई एक चार्ज है, क्या ये चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, हम किसकी बात करें, पॉइंट चार्ज की बात करें, ये एक चार्ज है, क्या बोला है मैंने, इट इज द रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सोर्स चार्ज बोल रहा हूं। सोर्स चार्ज का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसा चार्ज जो जनरली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जिसमें से फील्ड लाइंस निकल रही है। आप ये कह सकते हो कि भाई इस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी आप कह सकते हो फील्ड है, ठीक है, लेकिन ये फील्ड ओरिजिनल होता है बच्चों, रियल फील्ड होता है, ये फील्ड है इस चार्ज के चारों तरफ, ठीक है। अब ये कहां तक जाएगा फील्ड, ये फील्ड जाएगा इंफिनिटी तक, कहां तक ये फील्ड है, इंफिनिटी तक इसका विस्तार है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपने पढ़ा होगा कि भाई सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी कितनी भी दूर कोई भी प्लैनेट हो, दो प्लैनेट उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है। ऐसा क्यों भाई, वो जो दो इनफाइनाइट यानी बहुत दूर जो दो प्लैनेट है ना, उनके चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है, एक स्पेस है, ठीक है, उसके चारों तरफ, जिसमें वो जो प्लैनेट होता है दूसरे प्लैनेट पर फोर्स लगाता है, ऐसे यहां पे बच्चे चार्ज होता है, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट है, यानी एक तरह से स्पेस है, रीजन है, यानी कि इसका एक दायरा है, आप ये कह सकते हो
कि एक फील्ड है इसके चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ, अगर इस चार्ज में, इस चार्ज, इस फील्ड में, इस चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है, अगर इस फील्ड में कोई भी चार्ज एंटर करता है, कोई भी चार्ज, ये मैंने एक टेस्ट चार्ज लिखा है, बताऊंगा टेस्ट चार्ज होता क्या है, कोई भी चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, अपना प्रभाव डालेगा। ओके, यानी कि है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन है सोर्स चार्ज के चारों तरफ जिसमें सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन द अदर चार्ज। तो इस अदर चार्ज को मैंने क्या बोल दिया, ये टेस्ट चार्ज बोल दिया। इसके हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो बच्चों, दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसी होगी, आप ऐसे समझो कि फोर्स, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, आप ये कह सकते हो, क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि ये मेरे पास मान लो फोर्स है और किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज है वही क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये चार्ज क्या है, क्या इस चार्ज का फील्ड नहीं होगा, क्या ये जो ये, अगर हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम चार्ज बोल रहे हैं भाई, सीन सिटी इज अ चार्ज, तो क्या इसका फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल इसका भी फील्ड होगा, ठीक है, ये चार्ज भी फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन ये जो चार्ज है इतना कम फील्ड जनरेट करेगा कि इसके फील्ड का सोर्स चार्ज के फील्ड पर कोई असर नहीं होगा, मतलब बहुत ही माइनर सा, आप कह सकते हो बिल्कुल ही छोटा सा फील्ड होगा इसका, एकदम वीक फील्ड आप कह सकते हो, बहुत ही छोटा फील्ड। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही छोटा है, यानी कि बहुत ही वेरी वेरी, आप कह सकते हो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, ठीक है, यानी कि इतना छोटा चार्ज है, यानी सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ना के बराबर आप कह सकते हो। ओके, जो जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज से बहुत ही बड़ा है, आप ये कह सकते हो। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, यानी अगर किसी भी फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से किसी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है जिसमें जो सोर्स चार्ज होता है दूसरे चार्ज पे, अनादर चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। अब देखिए, अगर मान लो ये फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है फील्ड, अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब भाई कोई भी हमारे पास अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म फील्ड मतलब एक तरह से पैरेलल लाइन आप कह सकते हो भाई, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है, कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। ओके, तो यानी कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाए, कोई भी चार्ज है, इट इज एनी काइंड ऑफ चार्ज, तब यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट सिमली बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, इसका समझ लो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है सोर्स चार्ज पे, ना तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा सकता है, ठीक है, और ना ही इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हालांकि टेस्ट चार्ज के चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही मामूली छोटा सा होता है, आप ये कह सकते हो। ओके, चलिए अब इसकी और बातें करते हैं जरा, और क्या है इसमें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जो हमारे पास मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन आ रही है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी जीरो, मी नॉट, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही छोटा चार्ज आप कह सकते हो, जीरो के बराबर आप कह सकते हो, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर है तो भाई इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, तो मैग्नीट्यूड तो हर एक का होता है, मैग्नीट्यूड तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर चाहे वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है।
अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये क्या कर रहा है अपने चारों तरफ, ये जो एरो आप देख रहे हो ना यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब यहां पे हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है, क्या करेगा ये चार्ज? अब जैसे टेस्ट चार्ज, ये चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है तो ये चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? तो टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, फंडामेंटली और आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही लेट करके चला जाता है, आप नेगेटिव भी लेट कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, ये कैसे भी लेट कर लेना। तो देखो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और सेंट्रल फोर्स होता है और हमेशा सेंटर ऑफ चार्ज की तरफ ही एक्ट करेंगे, है ना, पॉइंट चार्ज है उनके सेंटर की तरफ ही हमेशा फोर्स लगेगा। अब दोनों क्या लाइक चार्जेस हो गए भाई, टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव है और यहाँ पे सोर्स चार्ज भी एक पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, है ना। यानी इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैट, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में होगी, ओके। तो यानी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से फील्ड है, यानी कि रीजन है, स्पेस है किसी भी चार्ज के चारों तरफ, यानी एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो सोर्स चार्ज उस चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। यानी कोई भी चार्ज अगर किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाय द सोर्स चार्ज। यानी ये जो चार्ज होगा या तो इसको रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, कि कौन सा किस प्रकार का चार्ज वहां पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना हम जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो टेस्ट का मतलब ही हो गया कि भाई फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज यूज करेंगे, भाई फील्ड क्या है, यहाँ पे फील्ड अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब अट्रैक्टिव रिपल्सिव का भी हम मतलब समझाएंगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यानी ये समझ लो टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, बिल्कुल पुद्दी सी वैल्यू होती है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती। यानी कि अपने चारों तरफ अगर फील्ड जनरेट भी कर रहा है, अगर इसका भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद रखना हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव हो, तो चाहे इसका जो ये कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस वाले सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है, आप समझो जीरो के बराबर ही समझ के चलो ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, आप इसको ऐसे पढ़ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला आप याद रखना किसी भी तरीके से, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जिसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, और एक यूनिट और होती है बच्चों, वो है वोल्ट पर मीटर, कौन सी, वोल्ट पर मीटर। अच्छा ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वोल्ट पर मीटर वी, यानी वोल्ट पर मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो आप इन चारों में से कोई भी नाम लिख के आ जाए ना, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इनमें से कोई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यानी कि इनमें से कोई भी आप नाम लिख के आ जाए ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ओके। एक नंबर का ही आता है, पूरे नंबर क्या ही होगा, ठीक है। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, कूलम्ब का क्या होता है, एम्पियर सेकंड, तो यानी पर आ गया, ऊपर माइनस वन है तो पर एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, MLT-3 पर एम्पियर, ये क्या हो गया इसका,
ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी यहां पे आपको चार बातें समझनी है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से रीजन है किसी चार्ज के चारों तरफ, ठीक है, जिसमें वो जो चार्ज है दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। दूसरी बात बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। यानी कि यहां से एक फॉर्मूला और आप फ्रेंकली याद रखना, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू में ई। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स एट्रैक्टिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा। अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहाँ पे रिपल्सिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर होती है। और लास्ट जो बात, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, तो आप करते आ रहे हो, ठीक है, तो करते रहेंगे। बस ये चार बातें जो है सामने, इतने आपको याद रहनी चाहिए बातें। आगे जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पे बात है वो देखो, यानी कोई पॉइंट चार्ज है और कोई अगर नेगेटिव, दो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, कौन कौन से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या फिर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये मैंने दो ले लिया यहां पे, ठीक है। इन दोनों को आप बहुत गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे हम फोर्स ऑफ, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ये दो बेसिक बातें हैं जो आपको इस पूरे एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर में थोरोली याद रहना चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, यानी कि एक तरह से स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है ये। रेडियली आउटवर्ड का मतलब हो गया रेडियस बनाया गया, एक तरह से एक स्फीयर, एक तरह से एक चार्ज हो गया, ठीक है। 3D में अगर आप सोचो, एक बॉल है, वो पॉजिटिव चार्ज है और उस बॉल के चारों तरफ का एक कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। आपने वो धतूरे का पेड़ देखा होगा जो उसमें एक बॉल टाइप का होता है, उसमें कांटे चारों तरफ निकले रहते हैं, बिल्कुल आप वही समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों ऐसे निकला रहता है, यानी चारों तरफ एक कांटे जैसे, स्पाइक जैसे होंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी जो तीर है ना, एरो, वो बाहर की तरफ होगी। किधर होगी, बाहर की तरफ एरो होगा, याद रखना। और अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो इसमें तीर चार्ज की तरफ होगा, तो तीर क्या होगा, इसमें चार्ज की तरफ तीर होगा, ये याद रखना। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो यानी कि एरो से याद रखना कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइन है अट्रैक्टिव होती है, ये आप समझ लो, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिपेल होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे एरो बाहर की तरफ होगा, ये कह सकते हो, रिपल्सिव आप समझ सकते हो इसको। अगर मान लो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा तो चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज एंटर करेगा तो चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे इसमें भी होगा, अगर इसमें कोई टेस्ट चार्ज एंटर करता है तो टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज एंटर करता है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो यानी कि ये दो बात, ये और बातें, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होती है, इसे हम पढ़ते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या पढ़ेंगे इसको हम, रेडियली आउटवर्ड। ये पॉइंट चार्ज है दोनों के दोनों, ये दोनों क्या है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज, हम सब कुछ पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे रेडियली इनवर्ड। क्या पढ़ेंगे, रेडियली इनवर्ड, रेडियली का मतलब रेडियस, आप इसको रेडियस पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो फील्ड है आप कहीं से भी देखोगे ये जो फील्ड होगा आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। आप कहीं से भी देखो, चाहे यहां से देख लो, यहां ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, या राइट से अगल बगल से देख लो, कहीं से भी देख लो, ये फील्ड हमेशा एक समान दिखाई देगा। इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक पढ़ते हैं इसको हम, क्या पढ़ते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सेम ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एक तरह से आप कहीं पे भी अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दो, यानी कि एक तरह से गोला बन जाएगा, यानी कि स्फीयर बन जाएगा, और इस स्फीयर पे
जो भी अगर देखोगे इसमें एक रेडियस होगी, आप देख सकते हो सारी क्या रेडियस है। आप इस स्फीयर के किसी भी सरफेस पर अगर कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, कॉन्स्टेंट होगी, मतलब बराबर होगी यहां पर। ओके चलिए, अब जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी प्रॉपर्टीज। कुछ 8-10 प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी बातें। बट प्रॉपर्टी से पहले मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं, है क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई एफ भी लिख सकते हो। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ तीर निकालना है ठीक है ना। यहां पे मान लो इस पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, क्या रख दिया टेस्ट चार्ज। ओके अब ये टेस्ट चार्ज है, अगर मुझे पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो मैं निकाल सकता हूं कि जो फोर्स लगने वाला है इस टेस्ट चार्ज पे इस सोर्स चार्ज के द्वारा, यानी जो सोर्स चार्ज है क्यू, ये इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो क्यू नॉट इंटू ई टाइम्स के बराबर होगा ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई टाइम्स के बराबर होगा। अब टेस्ट चार्ज कुछ कोई भी कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, 1 माइक्रो कूलम्ब हो सकती है, 2 माइक्रो कूलम्ब हो सकती है, नैनो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है तो आप इजिली इस पे इस पॉइंट पर जो है फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो जो इस चार्ज पे लगेगा बाय दिस चार्ज। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ठीक है। तो यानी बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन इजिली कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। अगला टॉपिक जो इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है, माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था और इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। बेसिकली शुरू में इसको लाइन ऑफ फोर्स ही बोला गया था। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो इमेजिनरी लाइन है वो माइकल फैराडे के द्वारा ही दी गई है। आप लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी जिसमें आपने क्या कहते हैं मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी सर्कुलर शेप में और क्लोज्ड कर्व में, तो वैसे इसके अंदर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसको हम क्या पढ़ते हैं लाइन ऑफ फोर्स भी पढ़ते हैं, दो नाम है इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स आप बोल सकते हो, LOC और EFL आप बोल सकते हो। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको मैं या तो EFL बोलूंगा या फिर इसको मैं LOC बोलूंगा, इस पूरे इसमें LOC या EFL बोलूंगा इसको मैं ठीक है, लाइन ऑफ LOF सॉरी LOC नहीं LOF लॉफ ठीक है। तो EFL और LOF लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लो, इट इज एन इमेजिनरी, क्या है इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन इन द स्पेस at which tangent at any point gives direction of electric field vector at that point। काफी लंबी डेफिनेशन है, देखो है क्या, मान लो ये कोई भी एक सोर्स चार्ज है ठीक है, कोई भी किस तरीके से, और हाउएवर ये एक फील्ड ऐसे जनरेट हो गई, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं इसको, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, अब देखिए क्या बोला है, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन इन द स्पेस, है ना, इट इज द इमेजिनरी लाइन कर्व ड्रॉन इन द स्पेस, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रियल है, वो काल्पनिक नहीं है, ये इमेजिनरी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, ये ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसकी आसान डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, ये आप कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, ओके, इन द स्पेस, इन द रीजन, आप ही कह सकते हो। तो मान लो क्या बोला आगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन इन द स्पेस एट विच टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसका मतलब देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब मान लो अगर मैं ये पॉइंट उठा लू या ये वाला पॉइंट उठा लू, लेट सपोज पी, ये क्यू और ये वाला पॉइंट उठा लू मैं, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट जानते हो ना क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कर्व को कोई लाइन केवल टच करके जा रही है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अगर मुझे इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, है ना। तो इस पॉइंट पी पर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि इस पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, और इस पॉइंट पी पर क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ये ई की डायरेक्शन हो गई। ओके, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी आप जैसे जैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। सेम ऐसी ये वाला पॉइंट आर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको क्या करना है, बस यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ओके, इस तरह से तीन वेक्टर आ गया। अब आपको पता है भाई, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होती है तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू उन सभी वेक्टर का सम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हम देखें ये ऐसे तो इधर चला जाएगा, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट है तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये अगर ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो गया, ये हमारे पास हो गया ईपी। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये कुछ ऐसे ही, तो पैरेलल ही हो गया एक तरह से, इसी डायरेक्शन में ही हो गया, है ना, ये ईआर हो गया एक तरह से। तो आप देखोगे कि भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसको आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आप यहां से क्या निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड लाइंस है, ये लाइन ऑफ फोर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, उस रियल फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रही काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो रिजल्टेंट से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि इसका जो मेन मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाने का, एक तरह से ये आपको डायग्रामेटिकली एक तरह से व्यू देता है, एक तरह से आपको ये डायग्रामेटिकली समझाता है, एक्सप्लेन करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती कैसी है, पॉजिटिव चार्ज का कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज का कैसे होगा, दो लाइक चार्ज अगर पास रखे हो तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, या अनलाइक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, या कोई चार्ज ज्यादा एक छोटा चार्ज है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एक डाइपोल कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये सब एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, इसका यही सिग्निफिकेंस है, यही इसका मीनिंग है। अब देखिए एक ये वाला है केस, अगर मान लो मैं यहाँ पे ए और इसको बी पॉइंट कह दूं, ठीक है, तो इस केस में ये वाला रीजन क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड है, मतलब क्राउडेड है, जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पे भीड़ कम है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यानी यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होगी, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स का मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है, ये रियल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई ए है इज मोर देन क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो इसकी भी जानकारी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल जाती है, लेकिन इसको इसकी कुछ वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह से ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द स्पेस। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है, ठीक है, रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, दो चार्ज के बीच में होता है, तो फील्ड लेटरली
कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर क्या कहते हैं लेंथ वाइज वो इलोंगेट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या लेटरली वो एक्चुअली में क्या कहते हैं प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब एक्चुअली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप पता कर सकते हो। तो मतलब एक तरह से इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की जाती है। सोर्स चार्ज कह लो या दो चार्जेस हो गए। चलो इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एक एक करके। कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं थोड़ा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलओएफ लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चे इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया, ये पहली प्रॉपर्टी है और ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही उठा ली है। तो भाई ये कोई भी इस तरीके से कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई भी है, ओके, और किसी भी पॉइंट पे यहां पे ठीक है, यहां पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ओके, क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देगा। ठीक है, डायरेक्शन बताएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डायरेक्टेड है, इसमें इधर डायरेक्टेड है, इसमें इस तरफ डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। पहली बात तो यहां से ही निकल के आती है। इसी के अंदर एक बात समझ आते हैं, अगर हम यहां पे किसी भी टेस्ट चार्ज को छोड़ दे फ्री, अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इस लाइन पे छोड़ दे, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस लाइन पर मूव करना शुरू कर देगा, यानी इस टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, यानी कि द टेस्ट चार्ज स्टार्ट्स मूविंग ऑन दिस कर्व इफ फ्री टू डू सो। अगर इसको हम फ्री छोड़ दें तो क्या करेगा, इस कर्व पे मूव करना शुरू कर देगा, ओके, इस कर्व पे चलना शुरू कर देगा टेस्ट चार्ज, अगर हम इस कर्व पे इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दें ऐसे ही। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, ठीक है, यानी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके, द टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज स्टार्ट्स मूविंग ऑन दिस कर्व इफ फ्री टू डू सो, ओके, यानी कोई भी टेस्ट चार्ज इस लाइन पे मूव करना शुरू कर देगा छोड़ दिया जाए तो। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें है वो आप ये कह सकते हो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहां से, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं एंड और टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, ठीक है, एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड डू नॉट स्टार्ट और टर्मिनेट इन द मिड स्पेस, बीच में कहीं पे भी ये शुरू नहीं होगी और ना खत्म होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव पे खत्म होगी, ये नहीं कि बीच में कहीं पे भी शुरू हो जाएगा, नहीं, और ना बीच में कहीं खत्म होगा, ठीक है, यानी कि दे कैन नॉट, इसी से एक बात समझ आती है, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल लू, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से फील्ड लाइंस क्या होगी, निकलेंगी, यहां से निकलेगी ऐसे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी, सेम ऐसे यहां से निकलेगी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी,
ऐसे यहां से निकलेगी नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगी नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने ड्रॉ की है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? ये सारी की सारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ऐसे तो ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल कह सकते हो आप इसको। डाइपोल अब पढ़ेंगे अभी। डाइपोल मतलब अभी इतना समझ लो कि एक ऐसा सिस्टम चार्जेस का जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है, उसे हम डाइपोल बोल रहे हैं। या आप इसको ऐसे पढ़ लो अनलाइक पॉइंट चार्ज, अनलाइक पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, इसको अगर आप मैं ऐसे कहूं, मान लो एक मेरे पास प्लस टू क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। क्या एक मेरे पास प्लस टू क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? तो देखिए यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां पे टर्मिनेट हो जाएगी, सेम यहां से निकलेगी यहां टर्मिनेट हो जाएगी, ऐसी हो इसमें भी होगा। ओके, ये हो गया, इसमें एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज इसके अंदर छोटा है, आप ये कह सकते हो। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है और ये कहीं पे बीच में खत्म या शुरू नहीं होती है। ठीक है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना। अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम इस तरीके से, और इसमें अगर एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है, तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व। इसका मतलब क्या है? देखो अब मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ले रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये अलग अलग चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी कुछ ऐसे होगी, है ना, इस तरीके से होगी। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बाहर की तरफ तीर निकलेंगे इसमें से। इसमें क्या होगा? इसमें अंदर की तरफ तीर घुसेंगे, इसमें अंदर की तरफ तीर जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। इसे हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। ओके, इसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। अब यहां पे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कॉन्टिन्यूस कर्व। इसका मतलब क्या है? कि कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं दिखेंगे, ऐसे है ना, ये टुकड़े ये कटे पिटे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, डिस्क्रीट नहीं होगा, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। इस तरीके से स्मूथ लाइन होगी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ, प्यारी सी लाइन होगी यहाँ पे। ओके, कहीं पे भी कट नहीं दिखेगा, इस तरीके से आपको कट नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, बिल्कुल कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, एकदम कॉन्टिन्यूस होगा। चाहे आप इसके लिए ड्रॉ कर लो, या इससे पहले जो हमने ये ड्रॉ किया था, ठीक है, इस पे भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, इस पे भी सेम ऐसे ही है, इस पे भी सेम ऐसे ही है, ये ध्यान रखना। इसमें भी कहीं पे भी कट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सारी की सारी लाइन जो होगी स्मूथ होगी। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूस होगी, यहां से शुरू होगी लाइन तो एकदम कंटिन्यूस होगा। ये नहीं कि यहाँ पे टूट फूट जाए, ठीक है, कट पट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगी, स्मूथ कर्व होती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। ओके, चौथी प्रॉपर्टी जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, और ऐसा तो 10th का क्लास में सवाल भी आता था। तो प्रॉपर्टी है क्या? फोर्थ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काटेंगे तो क्या होगा सर? भाई काटेंगे तो क्या होगा?
कुछ नहीं, यहां पे दो रास्ते निकलेंगे, ठीक है, यानी एक मुसाफिर है और उसके पास दो रास्ते हैं और वो दोनों रास्ते पे एक बार में एक टाइम पे नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। तो यानी कंफ्यूजन कभी यहाँ पे पैदा होती नहीं है, एकदम सीधा रास्ता है, एक ही रास्ता चूज करो और उसी पे निकलो, ठीक है। तो यानी क्या करना है यहाँ पे भाई, मान लो ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये दूसरे को काट देते हैं, काटते हैं तो देखिए एक ये वाली और ये वाली दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस पॉइंट पर आपको दो डायरेक्शन मिलेगी, आप इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेगी। इसको मैं समझाता हूं और डिटेल में समझाता हूं इसको मैं, सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हो गया, ठीक है, यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, मानते हो कि नहीं, है ना, और इसी ये जो पॉइंट है इस वाले पे भी आ रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, है ना। तो यानी आप देखो तो यहां पे ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हमने की है, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी, दो डायरेक्शन, और दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी आएगी और भाई ऐसा रिजल्टेंट कभी भी दो नहीं हो सकता, केवल एक ही रिजल्टेंट हो सकता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब एक ही फील्ड की भाई एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती भाई, एक पॉइंट पर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, दो थोड़ी ना कर सकते हैं, एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, दो टेंजेंट हो गए, इस वजह से ये केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो जो पांचवी प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, आपने शायद ही प्रॉपर्टी सुनी हो और शायद ही आपने प्रॉपर्टी कहीं देखी हो, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है और नहीं सुनी है तो कोई नहीं, आज जरूर सुन लेना ये प्रॉपर्टी कौन सी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों ये है, जरा गौर से समझना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is directly proportional to, या एक चीज, the number of electric field lines are entering, leaving the positive charge, the number of electric field lines leaving the positive charge and entering the negative charge। क्या बोला मैंने, नंबर पे ध्यान रखना, किस पे, नंबर पे याद ध्यान रखना आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटरिंग द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब मैं समझाता है क्या, ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है क्या इसमें। मान लो देखो जरूरी नहीं है कि यहां पे केवल यहां पे पोज नेगेटिव चार्ज ही हो। अच्छा मैं एक सवाल पूछू, क्या दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या दो लाइक चार्ज, सवाल सुनना ध्यान से, क्या दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं बोलूं कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खींच सकते हैं।
तो बिल्कुल आप कह सकते हो यस सर ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब एक चार्ज बहुत बड़ा हो, मान ली 10 माइक्रो कूलम है, और एक चार्ज बहुत छोटा हो, मान ली 2 माइक्रो कूलम है। ठीक है, यानी एक छोटा और एक बड़ा चार्ज है, तो आप कह सकते हो कि भाई इन ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि बड़ा चार्ज छोटे वाले चार्ज को खींच लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि भाई जहां पे कम चार्ज और छोटा चार्ज है उसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो है जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि भाई जहां पे चार्जेस का डिफरेंस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का भी डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इसलिए जो चार्ज है वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। तो दो लाइक चार्ज भी एक दूसरे को खींच सकते हैं अगर एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है तो पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब इसको आप इस समझ सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कह लो, यहां पे ज्यादा बेटर रहेगा। और देखिए यहां पे मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, लिविंग और एंटरिंग, क्या लिख दिया मैंने, लिविंग और एंटरिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कॉमा लगा दिया मैंने यहां पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है और यहां पे खत्म हो रही है, तो आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मैं सरल भाषा में एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि है क्या ये। देखिए मान लो एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है और ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। क्या कर रहा है? 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, और यहां पे एक 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब सवाल ये कि अगर इन दोनों चार्ज को मैं ऐसे रख दूं, तो आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है ना, जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ऐसे होता ही है ना, ये कुछ ऐसे होगा, राइट, ऐसे 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 होगा। ओके, अब सवाल है अगर ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है, कितनी 100 EFL अगर ये रिलीज कर रहा है, तो ये 4 माइक्रो कूलम जो नेगेटिव चार्ज है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिसीव करेगा। ठीक है भाई, अगर ये 100 फील्ड लाइंस दे रहा है तो ये कितनी फील्ड लाइन लेगा, क्या 100 की 100 ले लेगा, या 100 से कम लेगा, 100 से ज्यादा भी ले सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है? तो जो फील्ड लाइन गेन करने की कैपेसिटी है, रिसीव करने की कैपेसिटी है, वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। किस पे? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर छोटा होगा, मान लो इसकी कैपेसिटी 100 फील्ड जनरेट करने की है, 100 फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करने की है, यहां से 100 लाइनें निकल गई। ठीक है, 100 लाइन में से ये 100 की 100 तो गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज छोटा सा है और बड़ा साइज है, तो भाई बड़ा साइज से अगर बहुत सारी फील्ड लाइन निकलेगी तो छोटा चार्ज कितना रिसीव करेगा, वो सारी तो रिसीव नहीं कर सकता ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज हो रही है और टर्मिनेट हो रही है, किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो देखिए 5 माइक्रो कूलम चार्ज 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है, कितना 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो 1 माइक्रो कूलम चार्ज कितना निकालेगा भाई, 5 से काट दो, 20 × 500, तो 20 EFL हो गई है ना, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, राइट। तो 4 माइक्रो कूलम चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिसीव करेगा भाई, 1 माइक्रो कूलम जो है 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 4 × 20 यानी 80 EFL ये रिसीव करेगा। तो अगर ये 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है तो ये 80 रिसीव करेगा, ये ध्यान में 80 रिसीव करेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जो लिविंग कर रहा है और एंटरिंग कर रहा है, यानी एक चार्ज अगर छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज को छोड़ रही है और दूसरे चार्ज पे फॉल कर रही है, तो यानी कि ये जो रिसीविंग और लिविंग का जो सिलसिला है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। चलो 6ठी प्रॉपर्टी करते हैं।
अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं बोली है। हाँ, इंटरसेक्टिंग वाले एक इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर्टी ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ लिखाऊंगा, 6 और 7 आप समझ लेना इसको, 6ठी और 7वीं भी यही दोनों प्रॉपर्टी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल का मतलब जानते हो ना, परपेंडिकुलर। फिजिक्स में और मैथ्स में नॉर्मल का मतलब सामान्य नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये होगी 6ठी। 7वीं भी यहीं पे लिखवा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब है क्या ये, ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए, मान लो मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप है, ठीक है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस, ठीक है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ EFL यहां पे 0 होती है। आप ये कह सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से गुजर ही नहीं सकती, कहां पे होगी, सरफेस पे होगी। और अगर सरफेस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या होगा, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, याद रखना, परपेंडिकुलर बनाएगा हमेशा, सरफेस के नॉर्मल होगा। क्या होगा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। जो मैंने ड्रॉ किया ना, ऐसे आप देख रहे हो, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और सरफेस के क्या रह गए, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रह गए, सरफेस पे परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये मान लो कोई एंगल बना दी इस तरीके से 30 डिग्री का, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक ये वाला कंपोनेंट होगा जिसे आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये किसके अलोंग है, सरफेस के अलोंग है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ, अगर ये इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। और अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस करेंट जनरेट हो जाएगा, सरफेस करेंट जनरेट होगा। इक्विलिब्रियम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आप ताला पकड़ लेते हो, कभी देखा ताले को छू के करेंट लग गया आपको, नहीं लगता ना। गेट खोलते हो, लोहे का गेट है, कुंडी लोहे की है, आपने गेट खोला, कभी आपको करंट लगा है? नहीं लगा। लोहे की सरिया पकड़ ली आपने, कभी आपको करंट लगा है? नहीं लगा ना। किसी भी लोहे को आप पकड़ते हो, लोहे का खंभा पकड़ लिया तो आपको कोई बिजली नहीं लगती, झटका नहीं लगता कभी आपको, लगता कभी करंट लगता है? नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम पे चार्जेस क्या है, रेस्ट में होते हैं। इक्विलिब्रियम पे चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मोशन में नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तभी एक्चुअली में करंट फ्लो करता है, वरना नहीं फ्लो करता है। तो यहां पे यही समझ लो, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे जो भी चार्जेस है वो सारे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस है ये सारी परपेंडिकुलर होगी, जिसकी वजह से चार्जेस मूव नहीं करते, वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, इसलिए चार्ज मोशन में नहीं होता है और चार्ज वहीं पे रहते हैं इक्विलिब्रियम पे, स्टेशनरी स्टेट पर। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती, इनसाइड द कंडक्टर। तो ये बात समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो कंडक्टर के अंदर से पास होगा, अंदर से एक भी फील्ड पास नहीं होगी, आप सोचिए यहां से फील्ड पास हो जाएगी ऐसे ऐसे, नो ये पॉसिबल नहीं बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं गुजर सकती, ठीक है, कभी भी अंदर से नहीं गुजर सकती। चलिए, सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, यानी बैटरी वगैरह कनेक्ट करोगे तब की बात अलग है। चलो, यहीं से एक चीज और समझ में आती है कि जो कंडक्टर होता है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। तो यहां पे जो आप देखोगे इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा था मैं बता देता हूं। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या नाम है इसका, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट इन द इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है। प्रॉपर्टी 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की नौवीं प्रॉपर्टी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। इसका मतलब क्या है, इससे हमें एक बात निकल के सामने आती है यहां से, हेंस टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है नेगेटिव चार्ज, इन ये हम बोल सकते हैं डाइपोल, ये डाइपोल है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फील्ड लाइन क्या करेगा, एमर्ज करेगा, है ना, यहां से फील्ड लाइन निकलेगी और यहां पे एंटर करेगी। इस तरीके से देखो, जो डाइपोल होता है इसमें सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्ज होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम होता है। अब यहां पे क्या, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ूंगे, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को खींचेगा, तो जो फील्ड लाइन से एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगी। आप ही कह सकते हो कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस तो ऐसे हो जाएगी, है ना, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे होती है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। ओके, तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। तो यानी कि इसी तरीके से यही रीजन है कि दो अनलाइक चार्ज जिनके साइन अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी टेंडेंसी है उनके पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अगर सेम डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आप ये कह सकते हो भाई इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव है, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो भाई इनकी पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कॉन्ट्रैक्ट कर सके लेंथ वाइज। और यहीं से एक बात और समझ आती है, अगर आप देखो तो ये कुछ हद तक ये सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा, है ना, सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकली सिलेंडर, सिमेट्रिकली सिलेंडर होता है ये, सिलिंड्रिकल शेप बनती है, सिमेट्रिकली सिलिंड्रिकल होते हैं, यानी कि आप अगर सिलेंडर के वाइज देखो कहीं से भी अगर आप देखते होते फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल दिखेगी, ठीक है ना, सिमेट्रिकली सिलेंडर होता है ये, सिलेंडर सिमेट्रिकली आप कह सकते हो इसे। तो ये दो अपोजिट चार्ज का हो गया। अब अगर मान लो एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा चार्ज है, एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा चार्ज है, तब क्या होगा, देखो तब यहां पे क्या होगा, यहां से बहुत सारी फील्ड लाइन निकलेगी, यहां से क्या होगा, बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेगी यहां से, तो यहां से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेगी, राइट,
यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, ये बड़ा चार्ज है छोटा चार्ज है, तो इनकी फील्ड लेंथ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये थोड़ा और पास होगा इस तरीके से, ये थोड़ा और पास होता है। ओके, इसका डायग्राम दिखा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा सा रहता है ये ऐसे चपट चपटा सा रहता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है हल्का सा, यहाँ पे आके ये ऐसे फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, हेंस टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें, सेम सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसमें सिमिलर ही प्रॉपर्टी है, दसवीं प्रॉपर्टी जो है यहां पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो हेंस टू लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दूसरों को रिपेल करेंगे, टू लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दूसरों को रिपेल करेंगे। The electric field lines have tendency to expand laterally. इसका मतलब क्या है? अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है, याद रखना दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज। ओके, अभी हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है इनकी जो फील्ड लाइन्स है एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, इनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को लेटरली, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से जो है कंघा काढ़िया है, जैसे बाल बालों पे कंघा बीच की मांग निकाली जाती है, बिल्कुल वैसे समझ लो कि दो बाल बीच की मांग है और आपस में ऐसे कॉन्टेक्ट में लेके आगे, तो लेटरली क्या करेगी, तो रिपेल कर रहे हैं। तो लेटरली का मतलब अच्छी ये ऐसे हो गया, ये लेटरली इधर हो गया, लेटरली ये इधर हो गया, ठीक है ना, लेटरली एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरीके से। ओके, तो फील्ड लाइन से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए दो चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे यहां पे भी हो जाएगा। इसका भी अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से, अच्छा इसमें अंदर की तरफ फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, तो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, लेटरली इनके पास टेंडेंसी होती है, यानी ये लेटरली एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हेंस टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर्स, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, एग्जाम में ये ड्रॉ करने के लिए आता है प्रॉपर्टी, एक दो पूछ सकते हैं, जैसे कंडक्टर वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के नॉर्मल होती है, एक वो है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दूसरी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो प्रॉपर्टी ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये तीन प्रॉपर्टी जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं, इन पे बेस सवाल, लेकिन मोस्टली इस टॉपिक से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्केच, स्केच ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लाइक चार्जेस, टू नेगेटिव यानी दो अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज डाइपोल हो गया, ड्यू टू डाइपोल, उनका स्केच ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाएगा या पॉइंट चार्ज के लिए आपको बनाने के लिए बोल दिया जाता है। ये बताओ कि यहां पर क्या होगा, यहां पर बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ये एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ओके, बस ये बात बतानी थी इसमें। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी 11 मेरे ख्याल से, है ना, ग्यारहवीं प्रॉपर्टी है, दसवीं प्रॉपर्टी, मैं तो भूल गया नाम ही भूल गया मैं तो, चलो दसवीं होगी शायद, है ना, दसवीं प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है,
अगर स्ट्रांग फील्ड है, जैसे यहां पे जहां पे फील्ड ज्यादा होगा, मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ई पे जो है फील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहां पे कम है, तो जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ठीक है, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फीबल होगा, वीक होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, फार अपार्ट इन द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूर दूर होंगी। तीसरी, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये पैरेलल होगा और इक्वली स्पेस होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 11 जो प्रॉपर्टी है बच्चों, 11 बहुत है, तो 10 प्रॉपर्टी है, एक और मैं बता सकता हूं, वैसे 11 प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट, ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा, छोड़ दो अभी इसको, हम उसमें देख लेंगे। सो 10 प्रॉपर्टीज टोटल होगी, आई थिंक आपने 5-6 पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से, वो भी मोटा मोटा ऐसी पढ़ लिया होगा, ठीक है, डिटेल में कुछ इस तरीके से है, जरा एक बार पढ़ो इसे ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फील करो भाई, सही है। चलिए एक दो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, फटाफट फटाफट जल्दी रिकैप करेंगे, स्केच करेंगे, है ना, जल्दी स्केच करते हैं, एक बार स्केच करते हैं, क्योंकि काफी यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, स्केच करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होगी, यहां पे जो तीर है एरो बाहर की तरफ दिखेंगे, है ना, जो तीर है बाहर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो तीर अंदर की तरफ होगा, राइट, तीर पे ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनमें इन तीरों का ध्यान जरूर देना है, ठीक है ना, तीर अंदर जाएगा तीर बाहर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पे तीर अंदर जाता है, पॉजिटिव चार्ज पे तीर बाहर जाता है, यही तीर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसी तीर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है, और ये जो इमेजिनरी लाइंस आप देख रहे हो ना स्फेरिकल सिमेट्रिक, ये रियल फील्ड है, क्या है ये रियल फील्ड है, पूरा रियल फील्ड है ये। दूसरा, इसमें अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस या ड्यू टू डाइपोल बोला जाता है, ड्यू टू डाइपोल, तो ये कई बार हम ड्रॉ कर चुके हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, तो फील्ड लाइंस प्लस क्यू से इमर्ज होगी, माइनस पे टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होगा। और तीसरा जो इसके अंदर प्लस टू क्यू और इसी में, है ना, इसी में मैंने ड्रॉ किया था माइनस क्यू के लिए, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे आएगी, ऐसा हो गया ये, ठीक है। और तीसरा जो था इसमें, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा जो आप नया ड्रॉ करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये है प्लेन प्लेन चार्ज्ड शीट, या कोई भी प्लेन चार्ज शीट ले लो, या फिर कंडक्टर ले सकते हो, प्लेन चार्ज शीट और कंडक्टर, ठीक है, इस केस में कैसा होगा, मान लो कोई भी प्लेन कंडक्टर है, प्लस प्लस है
और एक अनादर में कंडक्टर ले रहा हूं, ये दो दो केस हैं भाई, ये दोनों दो अलग अलग केस हैं। अच्छा ये वाले जो ना अनलाइक चार्ज के लिए, ठीक है, अनलाइक चार्ज के लिए ये होता है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकली सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पे दो ये प्लेन अगर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ तीर, ये ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज के लिए तीर अंदर की तरफ होगा, ओके। ये प्लेन चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है मैंने, और इसमें लास्ट जो था हमारे पास, मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, लाइक चार्जेस के लिए फोर्थ है बच्चों, वो है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, या माइनस क्यू है और माइनस क्यू है ना। इसके लिए अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, ये लेटरली क्या होता है, ये भी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, इसी भी केस में क्या होगा, सिलिंड्रिकली सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यहां से एक सिलेंडर बनेगा और कुछ नहीं है, सिलेंडर जैसा बन रहा है ना, सिलेंडर बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को लेटरली रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे लेटरली रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे सॉरी, ओनली रिपेल करेंगे बस इस तरीके से। ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगी। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ फील्ड लाइन्स आएंगी, है ना, अंदर की तरफ फील्ड लाइन्स आएंगी, ऐसे आप दिखा सकते हो, सेम यहां पे, ऐसे ड्रॉ कर दो बस, खत्म बात, राइट। ये यहां से आ जाए यहां से, और ये न्यूट्रल पॉइंट, ये क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट, राइट। ये और ड्रॉ करवाना था, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये स्केच है जो यहां से एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, और आता है कि भाई स्केच ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है, डाइपोल हो गया या लाइक चार्जेस हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, ऐसे करके बोल देते हैं, प्लेन चार्ज शीट हो गया, ठीक है। तो ये है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से रीजन स्पेस होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ, यानी अगर उस रीजन में कोई अनादर चार्ज एंटर करता है तो वो जो सोर्स चार्ज है उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई अगर फोर्स एंटर, सॉरी कोई अगर चार्ज एंटर करता है तो उस चार्ज पे क्या होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बाय कन्वेंशन हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। और ये फील्ड कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है, और फोर्स कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी फील्ड को टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतनी राम कथा है, टेस्ट चार्ज की ज्यादा आपको सोचने की या लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, वेरियस प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, और ये हमने कुछ स्केचेस ड्रॉ किए। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, बेसिक चीजें तो आज खत्म करनी है, है ना, बेसिक चीजें खत्म करनी है, ताकि इसके बाद हमारा डाइपोल पढ़ाना है, जहां से भाई डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स सब आएगा, वहां से डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब पूछा जाता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा मोर मैथमेटिकल और देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लो कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, हमें पता है कि भाई अगर पॉइंट चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी स्फेरिकल सिमेट्रिक, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगी, राइट। अब मान लो इस फील्ड की, तो भाई कहां से एमर्ज हो रही है, फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और इनफाइनाइट तक जाएगी, कहां तक जाएगी, टू इनफाइनाइट तक इसकी वो होती है रेंज, इसकी इंफिनिटी है भाई, कहां से, चार्ज से लेके इंफिनिटी तक इसकी रेंज है। मान लो यहां पे एक टेस्ट चार्ज एंटर कर जाता है, क्या कर जाता है, टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज एंटर कर जाता है, क्या करेगा,
जैसे टेस्ट चार्ज इस चार्ज के फील्ड में एंटर करेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। लेट कर लो, ये टेस्ट चार्ज यहां पर पी पॉइंट पे ना, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे, कितनी है आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो फोर्स इन दोनों के बीच में कितना हो गया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। वाई कूलम्स लो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं इसको हम। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अगर इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को यहां से हटा के इसके नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा सिचुएशन। तो आप देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहां पे, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, यही आएगा ना भाई, क्यू नॉट यहां चला गया तो क्या बचा, के क्यू बाई आर स्क्वायर बचा। क्यू नॉट यहां आ जाएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट क्या होता है, यही तो होता है। तो यानी कि यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यानी इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। और यहां पे बच्चों एक चीज नोटिस करो, चाहे चार्ज यहां पे कैसा भी आ जाए, कोई भी चार्ज आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है भाई, कोई भी चार्ज आ जाए, क्योंकि यहां पे टेस्ट चार्ज कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, केवल ये सोर्स चार्ज पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, केवल सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मूला याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप यहां से देखो तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ओके, तो वेक्टर फॉर्म अगर आप उसको आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है, वैसे 1/4 pi epsilon naught होती है, ये होता है ना k की वैल्यू क्या होती है, ये भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, दो k आ गए इसमें, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और एक ये वाला आ गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट वाला है। kq का मतलब 1/4 pi epsilon naught, वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹⁹ N·m²/C² ये इसकी वैल्यू होती है। और epsilon naught क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 × 10⁻²⁰ N·m²/C² होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon naught × Q/R² वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यहां वेक्टर का साइन लगा दो, यहां पोजिशन वेक्टर लिख देना, और यहां पे आर क्यूब लिख देना, हो गया ये, ठीक है। आर यहां पे क्या है, आर यहां पे R2 − R1 कह सकते हो, या सिंपल आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप भी लिख सकते हो, बस इतना ही है। ओके, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये अनादर फॉर्मूला है। अभी तक कितने फॉर्मूले आ गए, अभी तक यहाँ पे टोटल दो फॉर्मूले आए हैं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड की बात कर रहा हूं, दो ही फॉर्मूले आए हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। और लगभग समझ लो इन्हीं दो फॉर्मूले पे पूरी राम कथा है, इन्हीं दो फॉर्मूले पे पूरी की पूरी राम कथा है, ये ध्यान रखना। तो आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट में दो मेन फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला यही हो गया हमारे पास कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है। ई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्यू यहां पे क्या है, कोई भी टेस्ट चार्ज है। ये वाला क्यू कोई भी टेस्ट चार्ज हो सकता है ना, ये कोई भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज हो सकता है, आप ये कह सकते हो यहाँ पे, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, याद रखना। और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्यू सोर्स चार्ज है, ये ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूला है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं ना वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीसीडी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो शुरू शुरू में जब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, मैंने पहला लेक्चर इसमें उसे मैंने एक बार डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब डिस्क्रीट जो चार्जेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट होता है आप ये कह सकते हो। लेकिन जहां मैक्रोस्कोपिक की बात आती है, जहां पे बड़े चार्ज की बात आती है कूलम्ब में, ठीक है, एक कूलम्ब, दो कूलम्ब, तीन कूलम्ब, तब हम लार्ज क्वांटिटी बड़े चार्ज की जब हम बात करते हैं तब वहां पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को काउंट नहीं करते हैं, तब हम उसमें वहां पे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कूलम्ब अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसमें एक कूलम्ब में लगभग 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, है ना भाई, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो हम उस केस में डिस्क्रीट जो यहाँ पे डिस्क्रीट जो फॉर्म होती है चार्जेस की, हम उसको एग्जिस्ट उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे भी ऐसी है, जो बड़े चार्ज से डील करते हैं, बहुत बड़ा सरफेस है, ठीक है, कोई भी लाइक क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल हो गया, रिंग हो गया सपोज, ठीक है, इन सब पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लेट्स डू इट, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि मान लो हमारे पास ये कोई एक थ्री डायमेंशनल क्यूब है, ठीक है ना, कोई एक सरफेस है थ्री डायमेंशनल आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, DQ, 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 पूरे में ऐसे छोटे छोटे चंक ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, लीक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे पूरे में फैले हुए हैं, ओके, ऐसे पूरे में चंक ऑफ चार्जेस फैले हुए हैं, DQ, DQ, DQ आप कह सकते हो। अब मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ये वाला एक छोटा सा मैंने रीजन कंसिडर कर लिया, ये वाला रीजन, ओके। अब इसमें देखो पूरे बॉडी पे चार्जेस ही है, मान लो पूरे बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, पूरे बॉडी पे टोटल चार्ज क्यू है फिलहाल, सपोज इतना समझ लेते हैं, राइट। अब इस पूरे बॉडी पे जो चार्जेस है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह चार्जेस फैले हुए हैं, ठीक है, एक बाउल है, कटोरा है, ठीक है, या हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है तो इस पे भी पूरे में चार्जेस क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पिटारा है पूरे चार्जेस का, ये हर जगह चार्जेस फैले हुए हैं कॉन्टिन्यूसली के लिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है आपके, चार्जेस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस का जो मीनिंग होता है ना बच्चों, जहां भी वर्ड आ जाता है तो वहां पे ना एक फंक्शन ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन का, पढ़ा ना मैथ्स में इंटीग्रेशन का फंक्शन, बहुत इलेवेंथ में किए थे ऐसे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का एक फंक्शन यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखना, जहां भी कॉन्टिन्यूस शब्द आता है, वर्ड आता है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स क्या होता है, लेट कर लो ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल सा चार्ज ले रहे हैं, इस चार्ज को ले रहे हैं, ये जो डी क्यू है ना और इस क्यू नॉट के बीच में मान लो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज है क्यू नॉट है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। भाई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगी कि भाई एक कोई भी हमारे पास टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, और उसके अंदर चार्जेस भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ज भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत लेवल में भरे पड़े आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा टेस्ट चार्ज और डी क्यू के बीच में क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q Q0/r2। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम क्या कह रहे हैं, r लेट कर ले, ठीक है, r डिस्टेंस, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, डी क्यू बोलेंगे, क्या बोल रहे इसको हम डी क्यू बोल रहे हैं। ये आ गया हमारे पास एक चार्ज की वजह से फोर्स, यानी केवल ये DQ की वजह से, ये जो DQ चार्ज है ये इस पर इतना फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जो टोटल फोर्स हो जाएगा इसको हम DF लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, जो टोटल फोर्स हो जाएगा यानी नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स का मतलब ये सारे चार्ज
जितने भी इसके अंदर चार्जेस हैं, ये सारे चार्ज मिलके इस पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये सारे चार्ज मिलके इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो नेट फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी डी क्यू, यानी इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डीएफ को, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1/4 πε0 Q0 में dQ/r2। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये Q0 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी F by Q0, इस Q0 को हटा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, यानी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। चलिए अब इसमें तीन तरह के टाइप होते हैं, अभी टाइप पढ़ेंगे, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्त, क्या कहा रहे हो। देखिए है क्या, पहला इसके अंदर है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, एक ही बात है, इसको हम बोलेंगे लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ना, यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह के सवाल आते हैं, गॉसेस लॉ में यूज करेंगे इसका हम बेसिकली, मैं यहीं पे करा दे रहा हूं क्योंकि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद फिर हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं इनका यूज होना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसलिए अभी इनको करा दे रहा हूं मैं सारा का सारा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सब मैं यहीं पे करा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हमने इधर ही कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक लाइन ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज का मतलब लीनियर चार्ज, लीनियर का मतलब लाइन, इसे हम लाइन भी बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। मान लो कोई भी एक वायर है और इसके ऊपर क्या है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे ठीक है, इसमें जो टोटल चार्ज है सपोज क्यू है और ये सारे डी क्यू है, इसमें वो मैंने क्या बोल दिया, इसको हम बोलेंगे स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्या बोल दिया, स्मॉल चार्ज डी क्यू, और इसकी जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, डीएल बोल देंगे। तो जो लैम्डा होता है ना, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होता है डी क्यू बाई डी एल के बराबर। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, लैम्डा इंटू डी एल, आप इसको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो लैम्डा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, इफ क्यू इज नेगेटिव, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लैम्डा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इफ क्यू इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए लैम्डा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के लिए लैम्डा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए लैम्डा नेगेटिव। लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD करके याद रख लेना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी VCD, ठीक है, LCD, SCD, VCD, तीन नाम आएंगे यहाँ पे, LCD, ठीक है, SCD और VCD, ठीक है, ये तीन नाम है, LCD, SCD, VCD। चलिए अब मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो स्ट्रेट वायर है, प्लस 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 प्लस, इसमें टोटल चार्ज क्यू है, क्या है, टोटल चार्ज क्यू है, और इसकी लंबाई क्या, एल है, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा। अच्छा अगर एक रिंग है, ठीक है, एक चार्ज्ड रिंग है, क्या है, चार्ज्ड रिंग, ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन वायर आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर, चार्ज्ड रिंग है ये, पूरा का पूरा चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, और यहां पर इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमें निकालनी है, तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी निकालनी है, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस वायर के ऊपर कितना लीनियर चार्ज है वो हमें LCD क्या है इसकी वो निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले देखो DQ कितना हो जाएगा, DQ क्या है, लैम्डा DL हो जाएगा, है ना, DQ क्या हो जाएगा, मतलब छोटा सा चार्ज यहाँ पे लेट कर लो, ये DQ हो गया, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्यू के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल चार्ज निकाल लो, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा DL,
तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा, और डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यानी भाई ये छोटा सा डीएल है और ऐसे छोटे छोटे डीएल जोड़ दो पूरे सर्कल के लिए, तो क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा इनटू में 2 पाई आर। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन में 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये रिंग के ऊपर सरफेस, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, नॉट सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस सरफेस याद आ रहा है। चलो अब बात करते हैं एससीडी की, है ना, अब सरफेस आ जाएगा, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अब बात करते हैं एससीडी की, यानी सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं सिग्मा, दो तरह के सिग्मा होते हैं, ये छोटा सिग्मा हो गया और ये कैपिटल सिग्मा हो गया, ये बड़ा सिग्मा है ये छोटा सिग्मा है, ठीक है, ये पॉइजन रेशियो नहीं है, कैसे जो पॉइजन रेशियो है, नो नो नो, सिंबल्स आर लिमिटेड बट यूजेस आर अनलिमिटेड, यूजेस अनलिमिटेड है लेकिन सिंबल बहुत ही लिमिटेड है। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी भी सरफेस पे मान लो गोला है, स्फीयर है, ठीक है, चार्ज्ड स्फीयर या स्फेरिकल शेल भी लेट कर सकते हो, तो इसके ऊपर ये चार्जेस इस तरह के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पे है, पूरे सरफेस पे। लीनियर चार्ज चार्ज डेंसिटी का मतलब, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहां पे क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई नेगेटिव चार्ज है तो माइनस माइनस सिग्मा, इसका हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट एरिया, कैसे याद रखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, ऐसे भी याद रख सकते हो, तो यहां से जो चार्ज आ जाएगा स्मॉल चार्ज, ठीक है, सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, तो सिग्मा एक फिक्स क्वांटिटी है एक पर्टिकुलर शेप और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक सिग्मा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो ऑफ चार्ज और एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब एक तरह सिग्मा डिपेंड तो ना चार्ज पे करता है ना सरफेस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं रेशियो पे, ठीक है, ये एक तरह से रेशियो वाला क्वांटिटी है, ध्यान रखना ये एक रेशियो वाला क्वांटिटी है, ओके, ये एक रेशियो वाला क्वांटिटी है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, ओके, अगर आप इसके लिए निकालते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे स्फेरिकल चार्ज स्फेयर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑन द क्या कहते हैं चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या चार्ज्ड स्फीयर आप कह सकते हो। अब देखो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, देखो एलसीडी एससीडी वीसीडी लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सभी की यूनिट क्या होती है सभी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और सभी की यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब ऐसे याद रख लेना ठीक है ना भाई वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब हो जाएगा है ना और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा यानी कि कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर ओके और कूलम्ब पर मीटर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा बस इतना ही है भाई इतना ही याद करना है आपको ओके लास्ट इसके अंदर तीसरा जो है वो है बीसीडी यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम अपॉन में सॉरी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगी आप ऐसे याद रख लेना और यूनिट हो जाएगी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगी ठीक है कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगी और अगर हम डी क्यू निकालते हैं यहाँ पे भाई छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए तो रो डी बी हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू ठीक है और अगर आप यहाँ पे कोई अगर स्फेरिकली चार्ज है कोई यहाँ पे चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है तब यहाँ पे जो डेंसिटी हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ठीक है ये इसकी वैल्यू हो जाएगी।
चलिए ये एक और बार आएगा, डिस्कस कर लेंगे, जब आएगा हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहां पे इस बात को समझ लो। चलिए एक बार ना फटाफट से मैं समराइज कर देता हूं जो जो हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एकदम क्विक समरी में इसकी पूरी दे रहा हूं कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इन टू में ई। फिर यहां पे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने पढ़ा था। यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, एफ बाई क्यू क्यू नॉट होता है, एक तो ये फॉर्मूला है इसका, और इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये हमने पढ़ लिया था। ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया, यहीं से ये वाला फॉर्मूला बना था, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला ये है, आप इतना याद रख लो, वो तो यहीं से आ गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, कॉन्टिन्यूस मैं बस फॉर्मूले रिपीट करवा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें हमने ये निकाला जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स वो क्या था हमारे पास, क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीन थे ना, एक तो एलसीडी था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा, ओके, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एससीडी आ जाता है ना, एससीडी एलसीडी बीसीडी एससीडी, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा, राइट, ऐसे याद रख लेना। तीसरा इसके अंदर जो आ गया था बीसीडी आया था, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू, इसमें क्या था, रो इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चार पांच फॉर्मूले आए थे, तो आपको मेन एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये ना भी याद रखो तब भी चलेगा, हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई में आपका इससे काम चलेगा और इन दोनों से काम चलने वाला है, ठीक है, एलसीडी और बीसीडी से काम चलेगा। बाकी जिनके स्टेट बोर्ड वगैरह उनमें थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो वो अपना देख लेना, हालांकि डिटेल में करा रखा है सारी चीजें। तो भाई आज की क्लास तो यहीं तक है, बेसिक है पूरा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे जबरदस्त ताबड़तोड़ एक के बाद एक डेरिवेशन के पूरे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे, टॉर्क पढ़ाएंगे, वर्क डन पढ़ाएंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ शुरू हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल इसमें कितनी क्लास लग सकती है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर वीडियो बता रहा हूं मैं, एक वीडियो नेक्स्ट वाली भी बन जाएगी पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह इन सब में। हाँ भाई लंबी डेरिवेशन तो है, लग जाएंगे उसमें 2 घंटे करीब, और भाई न्यूमेरिकल नहीं हुए आज, है ना, कोई नहीं, न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ, इनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे सारे, नो प्रॉब्लम, नो वरी। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक लेक्चर पहले शुरू में जाएगा पूरा, जिसमें मैं गॉसेस लॉ के प्रूफ तक समझा दूंगा, उसके एप्लीकेशन पे उसके नेक्स्ट दूसरे पार्ट में आएगा। तो भाई ये पार्ट वन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टार्ट करेंगे पार्ट टू, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैं करा चुका हूं और कूलम्ब्स लॉ भी मैं बता चुका हूं, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, जाके जरूर देखना, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नहीं हो तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो दोस्तों भाइयों एंड मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।